नमस्ते दोस्तों, लिटगोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज हम आपको टी सीरीज के अंदर T20 यानी कि T20, इसमें 20 कंटेंट्स हैं टी सीरीज के अंदर, और ये नुस्खा हम आपको दे रहे हैं। ये जो नुस्खा है इसको लेने से एक तो डायबिटीज खत्म होती है, और एक जिनका वीर्य पतला हो गया वो ठीक होता है, और वीर्य के अंदर अगर शुक्र कीट कम है तो वो बढ़ते हैं, और नाइट फॉल की ये बिल्कुल खास दवा है। और इसके अलावा जो शरीर के अंदर कमजोरी महसूस करते हैं वो भी इस नुस्खे को ले सकते हैं। ये नुस्खा बिल्कुल सेफ और बहुत प्यारा है। आप इस नुस्खे को लेकर के अपनी सेहत संबंधी हर समस्या से छुटकारा पाइए और इस नुस्खे को बनाइए। इसमें कोई महंगी आइटम नहीं और सब आसानी से मिल जाएगी। T20 यानी कि T20। अब मैं इसके कंटेंट्स बोलता हूं। बहमन लाल 10 ग्राम, बहमन सफेद 10 ग्राम, अकरकरा 10 ग्राम, उटंगन बीज 10 ग्राम, शहद दाना 10 ग्राम, कीकर गोंद 10 ग्राम, सालम मिश्री 10 ग्राम, ढाका गोंद 10 ग्राम, समुद्र शोक 10 ग्राम, गोखरू 10 ग्राम, सफेद मुसली 10 ग्राम, मरिया सुम अहराबी ये यूनानी जड़ी बूटी है, माया सुम अहराबी 10 ग्राम, मोचरस 10 ग्राम, और कच्चे बबूल की देसी बबूल की फली 10 ग्राम, बंस लोचन 10 ग्राम, ताल मखाना 10 ग्राम, बीज बन 10 ग्राम, बंग भस्म 10 ग्राम, अकीक पिष्टी 5 ग्राम और केसर 5 ग्राम। ये 20 कंटेंट्स हुए। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। बहमन लाल 10, बहमन सफेद 10, अकरकरा 10 ग्राम, उटंगन बीज 10 ग्राम, शाहदाना 10 ग्राम, कीकर गोंद 10 ग्राम, सालम मिश्री 10 ग्राम, ढाका गोंद 10 ग्राम, समुद्र शोष 10 ग्राम, गोखरू 10 ग्राम, सफेद मुसली 10 ग्राम, मायासुम अहराबी 10 ग्राम, मोचरस 10 ग्राम, कच्चे बबूल की फली देसी बबूल के 10 ग्राम, बंस लोचन 10 ग्राम, ताल मखाना 10 ग्राम, बीज बन 10 ग्राम, बंग भस्म 10 ग्राम, अकीक पिष्टी 5 ग्राम, मुकेशर 5 ग्राम। ये सब कंटेंट्स हुए। तो इन सबको एक करके और इन सबको कूट पीट के पाउडर बना के आटे जैसा आप कपड़े के अंदर छान लीजिए। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि एक कई वैद्य लोग नहीं बताते इस चीज को, मैं बता रहा हूं, और मैं ये जितनी आयुर्वेदिक की फार्मेसियां हैं मैं इनको भी बता रहा हूं कि वो भी मेरी बात को सुन ले। देखिए, कोई भी जहां मैं कहता हूं पाउडर बनाइए तो उस पाउडर का मतलब होता है जैसे अपन घर में आटे की रोटी खाते हैं गेहूं के आटे जैसी, तो वो पाउडर गेहूं के आटे जैसा होना चाहिए। जबकि जिक्र ये आता है कि मैदा सरीका बनावे। भूल कर भी कोई भी जड़ी बूटी का पाउडर आप मैदा जैसा नहीं बनाएंगे। हाँ, जो पेस्ट है पेनिस के ऊपर लेप करने का अथवा लगाने का, तो वो मैदा सरीका बनेगा, लेकिन जो खाने की दवा है वो गेहूं के आटे जैसा होगा। जबकि जितनी फार्मेसियां हैं इनके यहां से कोई भी आप चूर्ण ले आइए, जैसे त्रिफला चूर्ण ले आइए, तो मैदे जैसा इतना उसको बारीक कर देते हैं। इसी तरह लवण भास्कर कोई सा भी आप पाउडर ले आइए कोई सी फार्मेसी का, बिल्कुल मैदे जैसा बारीक कर देते हैं। तो नतीजा ये होता है कि उसके जो पोषक तत्व हैं, उसके अंदर जो विटामिन्स हैं, जिस जड़ी बूटी का आप पाउडर लेके आए हैं, वो तो वहां उनकी चक्की के अंदर ही खत्म हो जाते हैं,
और आपको सिर्फ खाली मैदा मिलता है पाउडर जो अंदर जाके जम जाता है। इस तरह का महीन त्रिफला का पाउडर आदमी नहीं खा सकता क्योंकि यहाँ चिपक जाता है। इस बात पे ये जितनी फार्मेसियां क्यों नहीं इस बात को समझ पाती कि हम हमारा प्रोडक्ट तो मार्केट में बेच रहे हैं, लेने वाले को कितनी प्रॉब्लम है, इस बात पे आज तक किसी फार्मेसी ने गौर नहीं किया। और मैं कहता हूं कि इस तरह का कोई पाउडर नहीं बनाए, आटे सरी का पाउडर बनाए, क्योंकि उसमें विटामिन भी रहेंगे और भी रहेंगे और निगलने में भी आसानी रहेगी, सब तरह की बात रहेगी। हाँ, ये एक अलग से बात हुई। हाँ, अब मैं बता रहा हूं कि ये 20 जो कंटेंट्स हैं टी के, इनको कूट पीट के आप पाउडर बना लें, आटे जैसा पाउडर बना करके और बबूल के गोंद के पानी के अंदर इसको गाढ़ा गाढ़ा आप घोट लेवें। उसके बाद घोटने के बाद फिर एक बार खरल के अंदर डाल करके और घोट लेवें और बेर के बराबर, यानी कि आप ये काबुली चना जो इतना बड़ा होता है ऐसे इसी मतलब अंदाज से आप यूं मान ले 3-3 ग्राम की 4-4 ग्राम की गोलियां बांध करके और सुखा के रख ले, आपकी दवा तैयार है। तो एक तरह से लड्डू नुमा इतनी गोली बनेगी। तो 2 गोली सुबह और 2 गोली रात को सोते वक्त खा करके और उसके ऊपर गाय का मिश्री मिला हुआ दूध पीने से डायबिटीज का खात्मा होता है, वीर्य का कोई भी विकार नहीं रहेगा। नाइट फॉल की बड़ी भारी समस्या है। अरे वो क्यों नहीं करते, मैं इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन नुस्खे दे रहा हूं, क्यों नहीं करते। अब देखिए, कोई कहे कि रोटी पेट के अंदर मुंह के अंदर यूं ही चली जाए तो वो तो नहीं जाएगी। आपको चाहे हाथ से रोटी खाइए, चाहे चम्मच से खाइए, चाहे कोई औजार से खाइए, लेकिन आपको उस चीज को मुंह तक तो ले जाना ही पड़ेगा। तो थोड़ी मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। अगर आपको सस्ती दवाई चाहिए और असली दवाई चाहिए और आपको फायदा चाहिए तो T20 का प्रयोग कीजिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।